हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सिंह, आईसीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी डिमांड आई मेरे पास कि सर परचेस साइकिल यानी कि परचेस प्रोसेसिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, परचेस प्रोसेसिंग के ऊपर वीडियो। तो दोस्तों, आज की क्लास में टैली में हम सीखेंगे परचेस साइकिल यानी कि परचेस प्रोसेसिंग यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको चार शॉर्टकट की याद करनी है, ऑल्ट एफ फोर, ऑल्ट एफ नाइन, एफ नाइन, एफ फाइव। ऑल्ट एफ फोर, ऑल्ट एफ नाइन, एफ फाइव, ऑल्ट एफ नाइन एंड एफ फाइव। चलिए दोस्तों, इसको करने से पहले दोस्तों मैंने अभी इसमें क्या किया है, जस्ट लेजर और अल्टर में जाके मैंने कैश का थोड़ा सा बैलेंस डाल लिया ताकि बाद में पेमेंट करते समय नेगेटिव ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी नया चैनल है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। आइए सबसे पहले ऑप्शन इनेबल करते हैं, F11 बटन। इन्वेंटरी का पार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वेंटरी पे ही आएंगे, इन्वेंटरी फीचर। और इन्वेंटरी फीचर में चलिए गोडाउन भी इनेबल कर लेते हैं, ऑर्डर इनेबल, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या आप परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करना चाहते हैं कि हाँ यार, उसी के ऊपर तो वीडियो बननी है। चलिए, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी या रिसिप्ट नोट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यस कर लेते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड रिजेक्शन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगा। चलिए ऑप्शन इनेबल हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नया मेहमान एड हो गया, ऑर्डर वाउचर। ठीक है, अब वैसे शॉर्टकट की हमें याद होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक बार मतलब समझ लेते हैं। देखिए, हमें सामने वाले के पास जब हमारी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स अवेलेबल नहीं होती है तो उस टाइम पे हम उसको ऑर्डर देकर आते हैं, फिर वो हमें गुड्स भेजता है तो हम गुड्स रिसीव करते हैं, उसके बाद वो हमें बिल भेजता है, हम बिल बनाते हैं। ठीक है, बिल रिसीव करते हैं और फाइनली उसको पेमेंट करते हैं। तो आइए सबसे पहला स्टेप, नेटवर्क, ऑल्ट एफ फोर मैंने प्रेस किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाउचर आ गया, परचेज ऑर्डर। आइए सबसे पहले पार्टी का नाम जिसको ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर सी करके मैंने यहाँ पर बनाया, करण संडरी क्रेडिटर। और मैंने यहाँ पे करण की सारी डिटेल भर देनी है, आप भर दीजिएगा इसकी डिटेल पूरी। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर नंबर। मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ, ऑर्डर नंबर PUR मतलब परचेस, ORD मतलब ऑर्डर, 001 ऑब्लिक 2018। अब यहाँ पे परचेस का लेजर पूछ रहा है, ऑल्ट सी करके आप परचेस का लेजर बना दीजिए, परचेस अंडर परचेस, राइट, और सेव कर दीजिए। देन अब किस किस चीज का करण को हम ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो हम दो तीन आइटम बना लेते हैं दोस्तों। पहला मैंने बनाया कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम डिफाइन करेंगे पीसी से, राइट। नाउ 1 अप्रैल को, अब यहाँ पे गोडाउन की बात आ रही है तो चलिए अभी तो हम एनी ले लेते हैं। क्वांटिटी, हमने 100 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया और एक कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 रुपए की हमें बताई गई। इसके बाद ऑल्ट सी यहाँ पे लेते हैं प्रिंटर, प्रिंटर आप किससे शो करेंगे, पीसी से। नाउ एनी लेते हैं और हमने 200 प्रिंटर, एक प्रिंटर की वैल्यू 10,000 रुपए, HP का प्रिंटर मान लेते हैं, यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दी। एक और ले लेते हैं यहाँ पे कवर, कंप्यूटर के कवर ले लेते हैं, ठीक है, या हम टेबल ले लेते हैं, पीसेस, और हमने 500 टेबल का ऑर्डर दिया और एक टेबल उन्होंने हमें 6,500 रुपए की अप्रोक्सीमेटली लगाई। नाउ देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया और हमने इसको सेव कर दिया। नाउ अब हमें ये देखना है कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना रिपोर्ट देखे आप आगे नहीं बढ़ेंगे स्टेप्स के। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, डिस्प्ले, इसके बाद जाना है आपको स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी के बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑल ऑर्डर, राइट। तो देखिए वाओ क्या लिखा है, परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कंप्यूटर प्रिंटर टेबल पार्टी करण, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, बैलेंस क्वांटिटी इतनी बरकरार है, 77,50,000 रुपए का हमने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर प्लेस किया है, और 800 पीसीस हैं। नाउ दोस्तों, अब
करण ने हमें गुड्स भेज दिए तो हमारे लिए क्या होगा, गुड्स रिसीव, क्या होगा हमारे लिए गुड्स रिसीव। तो इसके लिए ऑल्ट के साथ F9 बटन आप दबाएंगे तो देखिए इसके लिए आपका क्या आ गया, रिसिप्ट नोट वाउचर। और रिसिप्ट नोट वाउचर में रेफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ पर डालेंगे हम चालान नंबर, तो मैंने यहाँ पर डाला PUR/CHL चालान 001/2018। पार्टी का नाम, तो दोस्तों अब तो किसी भी स्टेप पे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रैक करना है। तो देखिए पार्टी किससे आ रहा है, करण। और सबसे मोस्ट और मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे पास गुड्स आ रही हैं, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। ये लीजिए मैं ले लेता हूँ, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आ रही है, एंड ऑफ लिस्ट, और आप इसे कीजिए। देखिए परचेज का लेजर, अब देखिए कंप्यूटर, प्रिंटर एंड टेबल, तीनों चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। कंप्यूटर पे जाइए, ऑर्डर नंबर ये है हमारा, चालान नंबर ये है या नीचे वाला है, हमने नीचे वाला ही तो है, ठीक है। परचेस, अब यहाँ पे आपको गोडाउन बनाना है कि गुड्स किस में रखनी है, तो मैंने यहाँ पे बनाया यमुना बिहार गोडाउन, और सेव कर दीजिए इसको विंडो को। नाउ 100 पीस 25,000 रुपए का एक हमने कर लिया। प्रिंटर दिस वन, मेन लोकेशन नहीं, यमुना बिहार 200 पीस। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कम ज्यादा का प्रोसेस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल सिंपल जस्ट आपको स्टेप समझा रहा हूँ। यमुना बिहार 500 पीस 65 दिस वन। नाउ इसके बाद देखिए टोटल, अब हमने गुड्स भी क्या कर ली, रिसीव कर ली और इसको सब कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर दो रिपोर्ट हमें चेक करनी है, तो सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो देखते हैं, हमारे पास गुड्स आ चुकी हैं, तो गुड्स आ गई हैं तो हमारे पास स्टॉक समरी में सामान बढ़ जाएगा। देखिए ओके, ऑल्ट F1 अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है, डिटेल में देखने के लिए यमुना विहार, यमुना विहार, यमुना विहार, और ये रहा प्रोसेस, क्या बात है, गुड्स आ गई। और दूसरी बात कि यार जो अभी हमने जो रिपोर्ट चेक करी थी, डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाके, एंड परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर, और ऑल ऑर्डर, तो देखिए यहाँ पे ये चीज हट गई, राइट। तो इसमें क्या करना है कि अगर जिसका हट जाए तो इसका मतलब पूरा प्रॉपर सही है, क्योंकि पहले जो चीज हमारी पेंडिंग थी अब वो हमारे पास रिसीव हो गई, यानी कि दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, वो हमें बिल सेंड करेगा, ठीक है, और हमारे लिए क्या होगा, परचेस बिल। तो सिंपल F9 में जाके हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे बिल नंबर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ PUR/Invoice या बिल 001/2018, ठीक है। किसने भेजा है बिल, करण ने। किस चालान के अगेंस्ट हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बिल बना रहे हैं, तो दोस्तों देखिए गुड्स रिसीव होती हैं ऑर्डर के अगेंस्ट और बिल बनता है चालान के अगेंस्ट। एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, बहुत ध्यान से इसको सिलेक्ट करना है आपको। परचेज का लेजर भी आ गया, देखिए कंप्यूटर, यही चालान नंबर है ये वाला, हाँ यही है बिल्कुल। हमने अब यहाँ पे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बट अभी प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो अभी ऐसे चलने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको समझ लेंगे। टेबल, और हमने इसको सेव कर दिया। नाउ अब आप रिपोर्ट क्या चेक करेंगे, अब आप रिपोर्ट चेक करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डिटेल में देखेंगे ऑल्ट F1, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सन्डरी क्रेडिटर, और सन्डरी क्रेडिटर कितना है देख लेते कौन है, यहाँ पे अप्रैल में कितना प्रोसेस अभी हमने उधार लिया है, देना बाकी है 77,50,000 रुपये अभी देने बाकी हैं। तो आइए दोस्तों इसको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर, और सिंपल आप F5 बटन दबाएंगे, किसको पेमेंट करनी है, करंट को पेमेंट करनी है 77,50,000, ठीक है। देखिए यही बिल नंबर है जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है, बिल्कुल क्या बात है। और क्रेडिट किससे, मैंने यहाँ पे कैश में बैलेंस डाल ही दिया था पहले ही, और मैंने इसको पेमेंट कर दी। नाउ दोस्तों आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया था, F11 इन्वेंट्री फीचर, और यहाँ पे हमने एक इस फीचर्स को इनेबल किया था और एक इस फीचर्स को इनेबल किया था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया। लास्ट एक चीज और देख लेते हैं, बिल प्रिंट करके डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पर देखिए हमारी चारों एंट्री शो हो रही हैं, 2, 3, 4। हमें क्या लेना है यहाँ पे, परचेस, ये रहा, और देख लेते हैं ऑल्ट के साथ P, ऑल्ट के साथ I, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होती है ये, जब आप एंटर करेंगे तो जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ Z, ठीक है। तो देखिए वाओ,
करण कंसाइनी परचेज साइकिल दिस वन, और नीचे देखते हैं तो देखिए क्या बेहतरीन आपका बिल प्रिंट हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से परचेज साइकिल का मीनिंग समझ में आया। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न और आपका रिजेक्शन वाला प्रोसेस मैं पार्ट सेकंड में डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है दोस्तों आपको टैली से रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए और उस वीडियो को बताइए, उस टॉपिक को बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीखिए। हैव अ नाइस डे।